हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है और ऐसे हमें पहले धोती पहनानी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ हमें ऐसे धोती पहनाकर पीछे की तरफ से डोरी बांध लेनी है, ये देखिए। और धोती को हम सेट कर लेंगे। अब हमें कान्हा जी को पहनानी है चोली, तो चोली पहनाना भी इतना ही आसान है। ऐसे हमें गले में ले जाना है और फिर डोरी बांध लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर पहनाई और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इससे कान्हा जी को गर्मी लगेगी, तो आप देख सकते हैं ये एकदम ओपन ड्रेस है, पोंचो की तरह मैंने कान्हा जी को पहनाया है, तो इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राधा माधव कलेक्शन 555। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे कॉटन का कपड़ा ले लिया है। मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया क्योंकि हम कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं और गर्मी में कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस कान्हा जी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। और जब हम इधर की तरफ से चौड़ाई देखेंगे तो ये भी मैंने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। हमें चौकोर पीस कट करना है, हर तरफ से इसका मेजरमेंट एकदम बराबर होना चाहिए और दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट भी मैंने एकदम बराबर रखा है। अब हम कपड़े को ऐसे पलटकर पीछे की तरफ से रखेंगे और यहाँ दो तरफ से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए दो तरफ से सिलाई लगानी है। ऊपर के दोनों तरफ से हम वैसे ही छोड़ देंगे। नीचे के दो तरफ से मैंने देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब ऊपर से हमें प्लेट डालनी है, तो ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम मेज़र करेंगे और 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। सेम ऐसे ही इधर से भी हमें मेज़र करना है और 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब ये जो हमने मार्किंग की है, यही से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ऐसे सेंटर में लेके आएंगे। एक प्लेट हो गई और अभी भी देखिए कपड़ा बचा हुआ है, तो हम फिर से एक प्लेट डालेंगे और इसके ऊपर हल्का सा रखते हुए सिलाई लगाकर इन दोनों प्लेट्स को जॉइंट कर लेंगे, जिससे ये खुले नहीं। सिलाई लगाकर मैंने देखिए यहाँ पे दोनों प्लेट्स को जॉइंट कर लिया है। अब इधर की तरफ से हमने ये जो मार्किंग की थी, यहाँ से हम फिर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ऐसे सेंटर में लेके आएंगे, ये देखिए। फिर हम एक प्लेट और डालेंगे, टोटल दो प्लेट हमें डालनी है। प्लेट डालते हुए अब इधर की तरफ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर से भी प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा ली। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट करके ऊपर से बराबर कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए ये एकदम बराबर हो गया है। सेम ऐसे ही हमें ये दूसरा वाला पीस भी बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने धोती के दोनों ही पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हमें सेंटर से इसको एक के ऊपर एक करके रखना है और लगभग 1.5 इंच नीचे तक सिलाई लगाकर हम इसको आपस में जॉइंट करेंगे। सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब मैं आपको कमर की चौड़ाई बता देती हूँ। तो कमर की चौड़ाई मैंने देखिए 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच रखी है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको 5 इंच की कमर रखनी है। 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको 5.5 इंच की कमर रखनी है। और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 6 इंच की कमर रखनी है। आप चाहें तो अपने कान्हा जी की कमर का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, जो भी साइज आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी कान्हा जी की कमर थोड़ी चौड़ी होती है तो किसी किसी कान्हा जी की कमर थोड़ी सी पतली होती है। अब हमने यहाँ पे पट्टी ले ली है क्योंकि हमें बेल्ट लगानी है कमर पे, तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच रखी है, क्योंकि जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। अब हम दोनों तरफ से एक एक बार इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें कमर पे इसको ऐसे रखना है और सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है।
सिलाई लगाकर ज्वाइंट करने के बाद अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और धोती को पलट कर हम पीछे की तरफ से रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। आप चाहें तो खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। हमें देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर हम ये डोरी रखेंगे एकदम बीचों बीच में और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब डोरी ऊपर की तरफ होगी और सिलाई हम नीचे से लगाएंगे, जिससे डोरी ज्वाइंट ना हो, क्योंकि डोरी ज्वाइंट हो जाएगी तो ड्रेस खराब हो जाएगी। सिलाई लगाकर मैंने देखिए बेल्ट ज्वाइंट कर लिया और नीचे से सिलाई लगाई है, तो डोरी ज्वाइंट नहीं हुई है, इसको हम इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब कान्हा जी की धोती बनकर बिल्कुल तैयार है, हम चोली बनाएंगे। तो हम धोती को साइड में रखते हैं और चोली बनाने के लिए भी मैंने देखिए यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक में से एक पीस कट किया है। मैंने प्लेन कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि मैंने जो धोती बनाई है इसमें भी देखिए पिंक कलर है, इसीलिए मैं पिंक कलर की चोली बना रही हूँ। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने देखिए 20 इंच यानी कि 20 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। अब हमें क्या करना है, तीन तरफ से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, नीचे से लगाएंगे और यहाँ से लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से हमें वैसे ही छोड़ना है। तीन तरफ से मैंने देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये वाइट कलर की थ्रेड लेस ले ली है, बहुत ही खूबसूरत लेस है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरी लेस भी लगा सकते हैं। इसको हमें ऐसे नीचे की तरफ से लगा लेना है। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, तो हमें थोड़ी सी जगह किनारे पे छोड़नी है। फिर कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक प्लेट डालेंगे। फिर से हमें कपड़े को पकड़कर दोनों तरफ से फोल्ड करना है, और जो पहली प्लेट हमने डाली है हल्का सा उसके ऊपर रखते हुए हम दूसरी प्लेट डालेंगे। ऐसे ही हमें एक के ऊपर एक करके प्लेट्स डालते जाना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 प्लेट डाली है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर मैंने देखिए सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है, जिससे कपड़ा यहीं पे लॉक हो गया है, इधर उधर खिसकेगा नहीं और प्लेट्स डालने में आसानी होगी। अब हमें फिर से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और प्लेट्स डालते जानी है। प्लेट्स डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है नीचे की तरफ से सभी प्लेट्स एकदम बराबर होने चाहिए, क्योंकि इधर से हम फोल्ड करके सिलाई लगा चुके हैं तो अब हम कट नहीं कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में हम उसको सही कर लेंगे। प्लेट्स डालते हुए मैंने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है, और ये जो गला हमने बनाया है इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। आप कान्हा जी के गले के हिसाब से इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो हम इसमें डोरी डालेंगे तो ये कान्हा जी के गले के हिसाब से अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हमें फिर से बेल्ट लगानी है, तो मैंने यहाँ पर कपड़ा कट किया है और इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच रखी है, क्योंकि जितनी हम चौड़ाई रखते हैं उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने धोती में बेल्ट लगाई थी सेम उसी तरीके से हमें चोली में भी बेल्ट लगा लेनी है। बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि डोरी ज्वाइंट ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चोली में भी ऊपर की तरफ से डोरी लगा ली है, और आप देख सकते हैं इसको भी हम इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं, और ये डोरी भी मैंने ज्वाइंट नहीं किया है। अब हमारी कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।